हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट। सक्सेस पॉइंट चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स हाईकोर्ट का, उड़ीसा हाईकोर्ट का कंप्लीट स्ट्रैटेजी एंड सिलेबस एंड स्टडी प्लान। स्टडी प्लान में बाद में डिस्कस करूंगा क्योंकि यहाँ पे नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया, बट आ सकता है तो हम उसी स्ट्रैटेजी से पढ़ेंगे, उसका जो सिलेबस है उसी को करेंगे। ऐसा नहीं कि नोटिफिकेशन नहीं आया मीन्स हम प्रिपरेशन नहीं करेंगे, नोटिफिकेशन आया मीन्स हम इसको प्रिपरेशन करेंगे। तो इसका मतलब है जब भी हम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे तो आगे सोच के करेंगे कि नोटिफिकेशन आएगा। एंड मैं बोल रहा हूँ कि नोटिफिकेशन आएगा, जल्दी ही आएगा। ओके, तो मैं ये बोल रहा हूँ मीन्स आएगा, तो अभी से स्टार्टिंग कर दीजिए। अगर नोटिफिकेशन आया पढ़ना शुरू किए वो तकलीफ हो जाएगा क्योंकि इसका सिलेबस ओपीएससी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सिलेबस से थोड़ा हटके है। ओके, एंड ये थोड़ा हाई लेवल का होता है ओपीएससी एसओ सिलेबस से, इतना याद रखना। तो आप नोटिफिकेशन आएगा उसके 2 महीना के बाद वो एग्जाम करा देंगे, या फिर 1 महीना भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो एग्जाम कंडक्ट करवा देंगे, वो सब चीज़ है ना। तो ये सब आपको अभी से तैयारी करना पड़ेगा, तो मैं इसलिए बना दिया। अगर आपको फॉलो करना है कीजिए, अगर नहीं करना है नोटिफिकेशन आने के बाद करना है वो भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एंड बट मैं आपको कम्प्लीटली सिलेबस, इसका पे बैंक स्किल क्या है पूरा कम्प्लीट यहाँ पे मैं बता दूंगा कि सेक्शन ऑप्शन में स्ट्रेटेजी में होता है क्या, एंड इसका पे स्किल सब क्या चीज़ है, सब चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँगा। एंड हम सोचेंगे मैं हिंदी में क्या बोल रहा हूँ कि हिंदी में बोल रहा हूँ कि अगर कोई हिंदी का स्टूडेंट अगर देख लिया तो भी अच्छा है, उनका भी कोई सेक्शन ऑफिसर हाईकोर्ट में निकल गया, उनका भी स्ट्रैटेजी ऐसा फॉलो होगा। तो हम उड़िया में बोल सकते हो, हिंदी में बोल सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या मैं अगर क्लास लूँगा तो हिंदी में ले सकता हूँ, क्योंकि हिंदी में लूँगा तो सारे स्टूडेंट को इंक्लूड हो जाएंगे, उड़िया में लूँगा तो सिर्फ उड़ीसा बच्चे के लिए स्टूडेंट हो जाएगा। तो हम हिंदी है, हिंदी हुआ या फिर उड़िया कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझना आइए आप समझ सकते हैं। ओके, तो चलिए बिना लेट करते शुरू करते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हाईकोर्ट का। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे उड़िया में बोलना चाहिए या फिर हिंदी में बोलना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मैं इसी हिंदी में पढ़ाते रहूँगा आपका नजरिया नहीं मुझे पता चलेगा। तो चलिए हम एक एक चीज डिस्कस करते हैं। देखिए, जो आपका क्राइटेरिया होता है इन 2016 ETOS लगभग था 60%, यहाँ पे जो क्राइटेरिया था लगभग 60% था, यहाँ पे जो क्राइटेरिया था 2016 में कि एग्रीगेट आपको 60% लेना चाहिए, प्लस टू आपका ग्रेजुएशन, ये दोनों चीज़ वो देखते थे पहले 60%। बट अभी का नोटिफिकेशन नहीं है, आई थिंक ये अभी क्राइटेरिया नहीं रहेगा, आई थिंक कुछ क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं रहेगा, अगर रहेगा तो 55% के अंदर ही रहेगा, 50-55% अगर क्राइटेरिया रखे वो, अगर मुझे लगता है कि नहीं रहेगा 60% वो क्राइटेरिया, वो पहले था वहाँ पे क्या बोलूँ, वहाँ पे कुछ धांधली चल रहा था इसलिए वो जानबूझकर ऐसे किए थे, वो बहुत बड़ा बात है। बट अभी क्राइटेरिया नहीं रह सकता, मुझे लगता है तो नहीं हट जाएगा, अगर क्राइटेरिया रहेगा अभी तो 50-55 या फिर 45-50 के अंदर रहेगा, या कि 45-55% के अंदर ही रहेगा अगर क्राइटेरिया रहेगा तो, इतना ही रहेगा। बट ये तो आपका क्राइटेरिया है उनका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का, तो क्राइटेरिया में बता दें। उसके बाद हम क्या देखेंगे, यहाँ पे देखिए उड़ीसा हाईकोर्ट एज रिक्वायरमेंट असिस्टेंट ऑफिसर पोस्ट डिटेल्स, यहाँ पे देखिए उड़ीसा हाईकोर्ट रिक्वायरमेंट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पोस्ट डिटेल्स, यहाँ पे देखिए पोस्ट नेम है आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर पोस्ट, आपका टोटल वैकेंसी 2016 में निकला था 100 पोस्ट, बट अभी 266 इससे 300 के पोस्ट, 266 पोस्ट अभी उनका निकलने वाला है, 260-300 के बीच निकलेगा, 100 पोस्ट वहाँ पे निकला था, कब निकला था 2016 में, बट अभी वो 266-300 पोस्ट के अंदर ही निकलेगा जितना भी पोस्ट आएगा। तो इसका जो पे स्केल होता है 9300 से 34800 प्लस ग्रेड पे इसका होता है 4200। ओके, तो आप सोच लेंगे इस कितना मिलेगा लगभग सैलरी, 48 से 50,000 के अंदर ही आपको लगभग सैलरी, या फिर 45,500 सैलरी आपको मिलेगा। तो ये अच्छा पोस्ट होता है 9300 से 3000 ग्रेड, आपका ग्रेड पे रहेगा अभी भी यही है। तो ये आपका वैकेंसी है 266 वैकेंसी आएगा, ये 2016 का वैकेंसी है, तो अभी पे स्केल इसका इतना है तो देख लेना। उसके बाद हमको क्या करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन कौन है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहाँ पे ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन आपको करना चाहिए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए, मीन DCA कंप्यूटर DCA आपका एप्लीकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड आजकल तो सब तो एडवांस PGDCA करते हैं, PGDCA या फिर DCA, PGDCA तो करते हैं, अगर जो भी सर्टिफिकेट अगर PGDCA है वो भी अच्छा है, DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA सर्टिफिकेट तो आपको होना चाहिए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके बाद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, जैसे MS Excel हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेशन के लिए, कैसे कंप्यूटर ऑन होता है, ये सब चीज़ यहाँ पे जाएगा। तो इन तीनों क्राइटेरिया यहाँ पे मेन चीज़ है, ये मेंशन है। ओके,
उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इसके बारे में, इसके सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका तीन तरीका होता है, एक होता है रिटन एग्जाम, उसके बाद एक होता है कंप्यूटर टेस्ट, उसके बाद इंटरव्यू मीन्स वाइवा। एंड यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे वाइवा अभी नहीं रहेगा, यहाँ पे वाइवा अभी नहीं रहेगा, डायरेक्ट यहाँ पे आई थिंक रिटन एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर टेस्ट होगा। एंड इंटरव्यू के जगह पे आपका कुछ हो सकता है डिस्क्रिप्टिव पेपर हो सकता है, बट इंटरव्यू अगर वो चाहेंगे तो कर सकते हैं इंटरव्यू, आई थिंक हो सकता है इंटरव्यू, बट अगर रूल के अनुसार यहाँ पे अगर करेंगे वो डिस्क्रिप्टिव पेपर करेंगे, नहीं तो इंटरव्यू करेंगे। अभी तो तीनों क्राइटेरिया यही है, रिटन एग्जामिनेशन, कंप्यूटर टेस्ट एंड इंटरव्यू। बट आप जितना भी यहाँ पे जज कोर्ट का क्लॉर्क निकला था, डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट, वहाँ पे भी इंटरव्यू है, इसका मतलब ये भी इंटरव्यू कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्टिव कर सकते हैं, सॉरी। उसके बाद हमको क्या करना है, हम देखेंगे यहाँ पे इसका कम्प्लीटली स्कीम एंड सिलेबस, यहाँ पे सिलेबस देख लेना है। यहाँ पे देखिए आपका क्या क्या पैटर्न में रिटन टेस्ट होगा, जो वो कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग पेपर्स, क्या क्या होगा, इंग्लिश होगा, आपको इससे लिखना पड़ेगा, ट्रांसलेशन फ्रॉम उड़िया टू इंग्लिश करना पड़ेगा, फ्रॉम इंग्लिश टू उड़िया करना पड़ेगा, एंड ग्रामर, बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट प्रीपोजिशंस आर्टिकल, इसमें ज़्यादा फोकस करते हैं ये सब चीज़। एंड डीपी ग्रामर, जैसे वर्ब का पूरा डीपी होता है, आपका स्टैटिक वर्ब क्या होता है, डायनेमिक वर्ब क्या होता है, ओके, ये सब चीज़ के बारे में पूछे, कौन से यहाँ पे स्टैटिक वर्ब है, कौन से डायनेमिक वर्ब है, आपको पूरा डीपली वर्ब की नॉलेज आपको रखना पड़ेगा। इसके लिए बुक आपको अगर फॉलो करना पड़ेगा तो आप, मैं बाद में इसके डिस्कस करूँगा बुक के बारे में, अगर आपका लाइक मिला इस वीडियो पे, ओके, दूसरे वीडियो पे नहीं मिलता मुझे पता नहीं क्यों नहीं मिलता, बट इस वीडियो में नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लाइक नहीं मिलेगा तो अगर कमेंट नहीं मिलेगा क्या फ़ायदा, ओके। यहाँ पे इंग्लिश का सेक्शन ये हो गया, उसके बाद अरिथमेटिक आ गया, अरिथमेटिक आपका 1 आवर होगा, ये 2 आवर्स होगा, ओके, एंड 100 मार्क है, ये आपका अरिथमेटिक 1 आवर है, एंड ये आपका 50 मार्क है। उसके बाद जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज आपका कितना है, 1 आवर, ये आपका 50 मार्क है। जनरल नॉलेज मीन्स आपका करेंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितना भी आता है जनरल नॉलेज जैसे होता है उसे, ओके, तो जनरल नॉलेज यहाँ पे थोड़ा लेवल हाई होता है, अच्छा अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं, करंट अफेयर्स से ज़्यादा फोकस करते हैं, एंड हाईकोर्ट के बारे में ज़्यादा, डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट हाईकोर्ट है उनके बारे में पूछ लेते हैं। तो एंड उसके बाद पार्ट टू में आपका एक होगा कंप्यूटर टेस्ट, जो 100 मार्क रहेगा, जैसे एम एस एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट, एम एस वर्ड, ये सब चीज़ के बारे में पूछेगा, कौन सा फंक्शन क्या होता है, फंक्शन F1 to F11, जितना भी फंक्शन किए वो सब आपको याद रखना होगा, ये सब चीज़ यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। उसके बाद वाइवा टेस्ट होता है, अगर इतना आप क्वालिफाई कर ली तो वाइवा टेस्ट होता है, एंड वाइवा टेस्ट ईजी होता है तो 30 मार्क होता है, यहाँ पे अगर 15 रख ली वो पास हो जाएंगे, ओके, 15 से 12 से 15 रखेंगे अगर पास हो जाएंगे, तो ये वाइवा टेस्ट होता है। कंप्लीट स्ट्रैटेजी यही होता है, मीन्स ये आपका सिलेबस है, आप सिलेबस में गो थ्रू हो जाएगी, यही सिलेबस है, एंड यही सिलेबस अभी भी रहेगा, ओके, इसका मतलब है ये स्ट्रैटेजी है। उसके बाद हम देखेंगे क्या यहाँ पे जो सिलेबस है उसके अंदर क्या क्या आएगा, वो चीज़ हम देखेंगे। देखिए पहले देखिए जो आपका सिलेबस है, यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर है ना, इसमें इससे आएगा ट्रांसलेशन एंड ग्रामर, एंड आपको ट्रांसलेशन पता है आप इजी से कर सकते हैं, इसमें तो आराम से रख सकते हैं मार्क, थोड़ा आपको हाई वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, ईडियम फ्रेजेस भी यूज करना पड़ेगा, अगर जो भी ट्रांसलेशन दिया होगा अगर वहाँ पे ईडियम फ्रेजेस दिया है तो आपको वो भी यूज करना पड़ेगा, और थोड़ा वोकैब यहाँ पे अच्छा अच्छा वोकैब अगर यूज करेंगे, ओके, दैन सेंटेंस को करेक्ट लिखेंगे, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच भी आपको पढ़ना होगा, एक्टिव पैसिव में होगा तो वो चीज़ कैसे लिखेंगे, ये आपका ट्रांसलेशन और ग्रामर में आपको हेल्प करेगा। उसके बाद आपका इससे तो यही है, ऐसा तो है, इससे कैसे लिखना होगा मैं बाद भी दिखाऊंगा, इससे कौन सा इससे आ सकता है, एंड इससे आपको किससे पढ़ना होगा, ओके, ये चीज़। अब वो नहीं बोलेंगे कि राइट द इस ऑन द काओ, राइट द इस ऑन द क्रोकोडाइल, ये सब नहीं होगा। उसके बाद देखिए अरिथमेटिक, अरिथमेटिक की सेम चीज़ होता है आपका, एवरेज है, प्रॉफिट लॉस है, पार्टनरशिप है, स्टॉक एंड शेयर से, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टॉक एंड शेयर का ये एक नया सब्जेक्ट है, जो स्टॉक एंड शेयर ये आता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हाईकोर्ट में, ओके, एंड ट्रू डिस्काउंट इसका भी आता है, तो स्टॉक एंड शेयर भी पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद प्रॉब्लम ऑन ट्रेंड्स, इसमें तो 2 क्वेश्चन आता है स्टॉक एंड शेयर में, अब देख लेना पीपीएस में 2 क्वेश्चन आएगा, एंड ट्रू डिस्काउंट में 1 क्वेश्चन आएगा, तो इनमें से 3 क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद प्रॉब्लम ऑन ट्रेंड्स आता है, मिक्सचर एलिगेशंस, प्रोबेबिलिटी, ये तो कॉमन है, एंड एजीजी प्रोबेबिलिटी आता है, इतना हार्ड लेवल का नहीं आता है। प्रॉब्लम ऑन एजेस आता है, बैंकर्स डिस्काउंट जो अभी बोला, बैंकर टू डिस्काउंट्स या फिर बैंकर्स डिस्काउंट्स। उसके बाद बोट एंड स्टीम होता है, सेट्स एंड रिलेशंस होता है, जो आपका वेन डायग्राम होता है, सेट्स एंड रिलेशंस, ए यूनियन बी, ए इंटू सी, ये सब फॉर्मूला आपको याद रखना होगा क्योंकि फॉर्मूला भी पूछ लेता है। सिंपल इंटरेस्ट है, परसेंटेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड क्वेश्चन है, ओके। इसके बाद आप सिक्वेंस एंड सीरीज है, प्रॉब्लम ऑन एचसीएफ एंड एलसीएफ में नंबर सिस्टम है, प्रॉब्लम ऑन नंबर एंड सिंप्लीकेशन, सब ईजी है, बट अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेबुल पूछता है, आप नहीं सोचेंगे कि नहीं पूछेगा, बट लेबुल का क्वेश्चन आता है, आप प्रीवियस रूट उठा के देखेंगे तो पता चलेगा। उसके बाद हम देखेंगे जनरल नॉलेज, ओके, जनरल नॉलेज में क्या क्या है, लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट जितना आएगा एंड अपडेटेड, जितना अपडेटेड होगा लेटेस्ट होगा,
ये किसी बुक का है, तो इतना याद रखना ही रखना है। अब जनरल सब करंट अफेयर्स आएगा, उड़ीसा जी का आएगा, उड़ीसा जी के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से मिनिमम 30 से 40 क्वेश्चन तो उड़ीसा जी के में आ जाता है। उड़ीसा हिस्ट्री से 5 से 6 क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑन जनरल नॉलेज, जैसे आपका जीके ऑन बुक अंडर थर्स, बुक अंडर थर्स मीन्स जैसे आपका हिस्ट्री का बुक अंडर थर, जियोग्राफी का बुक अंडर थर, स्टैटिक बुक अंडर थर एंड करेंट अफेयर्स का बुक अंडर थर, ये सब आपको पढ़ना होगा। उसके बाद जीके ऑन आवर्स ऑनर्स, कितना आवर्स मीन्स ये आवर्स जो ऑनर्स है, ये आपका नोबेल प्राइज, फर्टिलाइजर पावर, ये पहले किसको मिला था, कौन सा दिन में मिला था, ये सब चीज़ें जो करेंट अफेयर्स में जितना आवर्स एंड ऑनर दिया जाता है वो सब क्वेश्चन पूछेगा। जीके ऑन फेमस पर्सनैलिटी, जो जो पर्सनैलिटी फास्ट इन इंडिया, फास्ट इन वुमेन, ये सब चीज़। कॉमन जनरल नॉलेज, आपका करंट जनरल नॉलेज जो कॉमन होता है, साइंस ये सब पूछेगा, साइंस हिस्ट्री, जीके ऑन हिस्ट्री पूछेगा, इंडियन पॉलिटी तो होता है, इंडियन इकोनॉमी का आता है, इंडियन इकोनॉमी अच्छा क्वेश्चन आता है, मिनिमम 10 से 12 क्वेश्चन आता है एंड बहुत ही नेशनल इनकम से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछते हैं। जीके ऑन जियोग्राफी, जियोग्राफी आपका फिजिकल जियोग्राफी इंडिया इंपॉर्टेंट है। जीके ऑन स्पोर्ट्स, जो करंट अफेयर्स में जाता है वो स्पोर्ट्स पढ़ेंगे। जीके ऑन फेमस प्लेसेस, जितना आपका हेरिटेज साइट है, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स, जैसे बीबी का मुकाबला हो गया, अढ़ाई जिन का झोपड़ा राजस्थान में, उसके बाद आपका कुतुब मीनार हो गया, रेड फोर्ट हो गया, आगरा में जो रेड फोर्ट है एंड इसको कुतुब मीनार को किसने बनाया, कुतुब मीनार को किसने बनाया एंड ये कुतुब मीनार कौन सा डिनास्टी में हुआ था, जैसे सेलेब डिनास्टी एंड कुतुबुद्दीन ऐबक इसको बनाया बट इसको ख़त्म कौन किया वो पूछेगा, इतुलमिस इसका बेटा है ओके, इसको मारा था, ये सब चीज़ आपको हिस्ट्री में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद देखिए जीके ऑन जनरल साइंस एंड साइंस इन एवरीडे लाइफ ओके, जैसे मेटल नॉन मेटल हो गया आपका, ये सब चीज़ आएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन मीन्स जैसे आप फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं एसएससी में क्वेश्चन आता है या फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर क्वेश्चन आता है, सेम नॉलेज आएगा। बट इसके लिए आपको कोचिंग स्पेशल ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, मुझे पता है बहुत सारे कोचिंग सेंटर खोल जाएंगे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हाईकोर्ट, मुझे पता है इतना, मुझे तो पता है कटक में ऐसा ही होता है, बट कोई भी यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है, आप इसको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ ज़्यादा फोकस करना है किसमें, यही चीज़ में ओके, इससे में ओके इसमें फोकस करना है एंड जीएस तो आप पढ़ते हैं एंड आवर्स एंड ऑनर्स के लिए कौन सा करेंट अफेयर्स वेबसाइट आपको फॉलो करना पड़ेगा या फिर कौन सा करेंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल आपको फॉलो करना पड़ेगा, आप फॉलो कर सकते हैं, जो आपको सही लगता है आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट करेंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट रोल रहते हैं एंड अगर आप लूसेंट एंड और कुछ जैसे आपका जीसी लियोंग हो गया, जियोग्राफी के लिए अगर आप बुक, अगर मुझे चाहते हैं कि कौन सा बुक फॉलो करना होगा वो मैं बता दूंगा, बुक को खरीदने की जरूरत नहीं है, फ्री में मिलेगा उस बुक, पीडीएफ डाउनलोड करना, पढ़ना आराम से, अगर चाहते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन आ गया तो कोई कुछ नहीं कर सकता, 2 महीना टाइम देगा, इतना कवर नहीं कर सकते एंड मैं यहाँ पे स्टॉक एंड शेयर्स एंड टू डिस्काउंट, इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए, बहुत अच्छा सेशन है एंड स्टॉक एंड शेयर इजी होता है, टू डिस्काउंट भी इजी होता है, एक ही फॉर्मूला यूज होता है, दो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, ये तो हमारा खत्म हो गया, नेक्स्ट स्लाइड में जाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट में देखेंगे, देखिए इससे डेमो, एक इससे रिलेटेड आपको ऐसे पूछेगा कि अगर आपको ऐसे देगा द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ओके, आपको कुछ लगभग 250 से 300 वर्ड देगा या फिर कितना भी वर्ड देगा वो, उसके अंदर आपको लिखना है, आपको इतना नहीं लिखना है ओके, आपको जो 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 बुक फॉलो करते हैं वो बुक फॉलो कीजिए बट वहाँ पे अंडरलाइन कीजिए कौन सा इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, उसको आपको नोट डाउन करना है, ना कि सारे लिख देना है। जैसे यहाँ पे इंडिया जी वेलफेयर स्टेट एंड 8 मिलियंस एंड वुमेन्स आर जॉबलेस, दे आर विलिंग टू बी एम्प्लॉयड एंड दे आर जॉब, दिस क्राउड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पीपल इंक्लूडेड एजुकेटेड ट्रेन स्किल सेमी स्किल, आप अपना तरीके से लिखना है, यहाँ पर रटना नहीं, रटेंगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, याद रखना, वो टेंथ का एग्जाम में रटे थे, अभी रटेंगे तो याद नहीं रहेगा। आप उड़िया में सोच, आप उड़ीसा में उड़िया में एग्जाम दे रहे हैं तो उड़िया में सोचेंगे द प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होता है, किससे मैं स्टार्ट करूँगा, उसको ट्रांसलेशन करते जाइए, दिमाग में उड़िया लिखा है ट्रांसलेशन कीजिए, फिर भी आपको कुछ कुछ पॉइंट यहाँ से पढ़ना होगा, आपको पढ़ना होगा, ऐसा नहीं कि पढ़ना होगा 2-3 बार एक एक ऐसे को पढ़ना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, तभी इसमें भी कुछ कुछ पॉइंट वहाँ पे याद रह जाएगा। तो यही होता है आपका पूरा इसे का टॉपिक, आपका इसे ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, आपको इसे या फिर 2-3 ऐसे लिखने को मिलेगा, आपको 2 या 3 ऐसे लिखने को मिलेगा, आपको इसे लिखना है, आराम से लिखना है, ध्यान से लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी से इसे स्टार्ट कर दीजिए। जैसे आपका इसे हो गया जीएसटी के ऊपर, इसे हो गया, ये सब चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है, जितना करेंट अफेयर्स में आता है ना जो टॉपिक रहता है ओके टॉप में मीन्स पीक में, वही टॉपिक आपको उठाना है। जैसे जीएसटी हो गया, ट्रिपल तलाक एक अच्छा है, ट्रिपल तलाक ओके अभी राज्यसभा में भी पास हुआ ओके, और ट्रिपल तलाक में बहुत करंट अफेयर्स आ सकते हैं। ट्रिपल तलाक लोकसभा में कब पास हुआ, वो 2018 में पास हुआ था, राज्यसभा में कब पास हुआ, 13 जुलाई को हुआ 2019 को एंड आई थिंक फरवरी में 26 में इसको दाखिल किया गया था। तो ये सब चीज़ आपको ट्रिपल तलाक में बात आपको पता होना चाहिए। उसके बाद चंद्रयान अभी आया, चंद्रयान टू मीन जैसे आपका चंद्रयान टू का जो रॉकेट हुआ, रॉकेट के बारे में पूछ सकता है ओके, पी एस एल बी मार्क 3 ओके, पी एस एल बी मार्क
थ्री रॉकेट, ओके ये रॉकेट को उसे सेंड किया, उसमें कितना आपका रोबोट है, उसको क्या बोलते हैं, सब चीज़ आपको चंद्रयान टू में बारे में बताना था, जो रिसेंट टॉपिक में होता है वो इसमें आ सकते हैं। बट ये भी से जितना ये प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ये सब चीज़ें से भी आपको पढ़ना होगा, एक बार प्रैक्टिस करना होगा। तो यही था पूरा स्ट्रैटेजी, मैं कम्प्लीटली बता दिया। आप अगर अभी भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेशन में बताएंगे, अगर अभी भी है नोटिफिकेशन आएगा, मैं बोल रहा हूँ आएगा, मीन्स आएगा, तो अभी से तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, अभी से प्रैक्टिस कीजिए, तैयारी मीन्स अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो सारे सारे क्वेश्चन आपको तभी छः महीने के अंदर प्रैक्टिस होगा ना। अगर नहीं आया तो फिर क्या करेंगे, अगर जॉब अगर नोटिफिकेशन अभी आ गया तो क्या कर सकते हैं। तो अभी से प्रैक्टिस कीजिए, हम यहाँ पे हम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को फॉलो करेंगे, जब नोटिफिकेशन है उससे हम कोई दिक्कत नहीं है, हम बट हम उसका सिलेबस कंप्लीट कर देंगे नोटिफिकेशन आने से पहले, हर एक सिलेबस कंप्लीट कर देंगे ताकि हमको नोटिफिकेशन आने के बाद रिविजन को टाइम मिल जाए, टेस्ट सीरीज देंगे तब हम जितना भी टेस्ट सीरीज आएंगे अच्छे से टेस्ट सीरीज देंगे, तब तक हम नोटिफिकेशन को एंड करना है, जो मेरा सोचना है। अगर आपको सही लग रहा है लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर सही लग रहा है तो स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर आपको क्या होगा, जैसे आपका जूनियर डिस्ट्रिक्ट जूनियर क्लर्क जितने भी एग्जाम मुझे स्टूडेंट पूछ रहे थे उनके ऊपर वीडियो बनाएं, उनको भी ऐसे लगेगा, उनको भी ऐसे लिखना है, तो इससे को हमको प्रैक्टिस करना होगा। आप चाहेंगे तो इसमें आपको एक वीडियो दूंगा, चंद्रयान टू जी एस जो इंपॉर्टेंट ऐसे वो मैं आपको बता दूंगा, ओके। वुमेंस पावर हो गया, जितना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गवर्नमेंट स्कीम कैसे, ये सब मैं आपको बता दूंगा, एंड एक वेबसाइट में आपको पढ़ाऊंगा। अगर आप चाहते हैं तो असिस्टेंट सेक्शन में हम ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे, शेयर कर देना वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे, लाइव क्लास करेंगे एंड अच्छे से स्टार्ट करेंगे, एक एक चीज़ को पढ़ेंगे। जीएसपी में मैं आपको पढ़ाऊंगा, जितना भी एमसीक्यू डिस्कस करवाऊंगा सब करवाऊंगा, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया। तो अगर आपको लाइक मिला, सब्सक्राइब मिला, शेयर मिला, तो मैं आपको डायरेक्टली प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कम्प्लीटली पढ़ाऊँगा, ताकि आपको हो जाए कहाँ पे आपको ओपीसी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में भी काम आ जाए। एंड उड़िया लैंग्वेज आप पढ़ेंगे, एंड उड़िया लैंग्वेज ग्रुप में बता दूंगा कौन सा उड़िया लैंग्वेज पढ़ना है, एंड मैं पीबीएससी क्वेश्चन दिखा दूंगा, उसके बाद हम उसी तरह से तैयारी करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।